आशीर्वाद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। टाइम की मुनासबत नूं देखदे होयां बिला ताहीर दावत खिताब देंगा। अलामा निगाह हुसैन नासर साहब आप चकोड़ी शेरगाजी और मैंबर से तशरीफ लाउण जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद फजायलो मुसाहिब दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमाओ। आ जिहड़े इधर बैठे हो मेहरबानी करो कदे इत्थे आ जाओ ना के चलो एक मजलिस का माहौल बन जाए। बहुत तुहाडी मेहरबानी शुक्रिया जिहड़े जिक्र पाक दे बह के जिक्र सुन रहे हो। जैन बेटा तुसीं वी इत्थे आ जाओ मेहरबानी बहुत मेहरबानी शुक्रिया। जॉन बास तुसीं वी आ जाओ इत्थे। किबला अलामा निगाह हुसैन नासर साहब आप चकोड़ी शेरगाजी अनवाद इस्मत और तहारत पे मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। सलवात का पढ़ना अजीम तरीन इबादत है। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। मोहम्मद आलम मजमा काफ़ी है। सलवात की आवाज़ बहुत कम है। सलवात पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, उम्र तवील होती है। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन नारु लिल मुनाफिकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुर्सलीन मोहम्मद निल मुस्तफ़ा व आलह ताखरीन। अम्मा बाद काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अली जन इबादा। अली के ज़िक्र को इबादत समझते हुए मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। हज़राते गिरामी खुदा बंदे आलम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में इस जलीलतुल क़द्र और नूर बरसाते हुए मजलस अज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजीम और करीम खालिक इस मजलस अज़ा का एहतमाम करने वालों को अजर अजीम अता फरमाए। आप जितने इज़्ज़त माप सादात उज़ाम व मोमिनीन इकराम जितने जितने कदम चलकर अपने मौला की बारगाह में हाजिर हैं खुदा बंदे आलम आप तमाम की हाज़री को कबूल मंजूर फरमाएं। हज़रात गिरामी तवील गुफ्तगू का महल नहीं। बिस्मिल्लाह एक मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत। बिस्मिल्लाह इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं ये जी हाँ ये तीन रोज़ा मजालस अज़ा इस बारगाह जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मुनक्कद हो रही हैं हर साल की तरह खुदा बंदे आलम सादात उज़ाम को इन मजालस का बेहतरीन अजर अता फरमाए। पहला लफ्ज़ आपकी पाकीज़ा खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मज़हब अहले बैत अल्लाह के कुरान का नाम है या चौदह के फरमान का नाम है?
बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। पढ़ना मैंने बहुत थोड़ा है, बस थोड़ा सा आपने मेहरबानी फरमानी है कि बेदारी का सबूत देना है ताकि बाहर से गुज़रने वालों को पता चले कि इस माहौल में भी, जबकि बारिश का जो निज़ाम है, लेकिन मजलिस आज़ाद जो है वो जारी और सारी है। और अली के दीवाने मस्ताने मजलिस आज़ाद में तशरीफ़ रखते हैं। मज़हब अहले बैत अल्लाह के क़ुरान का नाम है या 14 के फरमान का नाम? मज़हब अहले बैत पीर अरशद शाह जी किसी ऐरे गैरे नथू खैरे का मज़हब नहीं। जी हैं गाजी बादशाह आपको सलामत रखे। मज़हब अहले बैत एक मेयार का नाम है। हम वो कौम हैं कि जो अगर कोई हमारे सामने ये दावा करे अल्लाह होने का, तो हम आंखें बंद करके उसे अल्लाह नहीं मानते, बल्कि हमारे पास तौहीद का एक मेयार है। वो मेयार क्या है? सिफात सबूतिया और सिफात सलबिया। सिफात सबूतिया वो सिफात हैं जो अल्लाह की ज़ात में पाई जाती हैं, और सिफात सलबिया वो सिफात हैं जो अल्लाह की ज़ात में नहीं पाई जाती। सिफात सबूतिया भी 8 हैं, तवज्जो है या नहीं फ़ज़ल, और सिफात सलबिया भी 8 हैं। आइए पहले मैं वो सिफात पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह शाह जी, मौला आपको सलामत रखे, ये आपकी दाद नहीं मेरे लिए दुआ है। सिफात सबूतिया वो सिफात जो अल्लाह की ज़ात में पाई जाती, वो 8 हैं। पहली सिफ कदीम, हम अली वालों का ये अकीदा है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। गाजी तुम्हारे खातों को सलामत रखे या अली, मौला आपको सलामत रखे जी। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कादिर, वो हर शय पर कुदरत रखता है। आलिम, एक होता है आलिम, एक होता है आलम। आलिम कहा जाए तो उसका मतलब है जानने वाला, आलम कहा जाए तो उसका मतलब है दोनों जहान। तवज्जो है या नहीं? तो तीसरी सिफ्त क्या है? आलिम, अल्लाह हर शय का जानने वाला है, इल्म रखने वाला। तवज्जो है। खई, वो जिंदा है। मुरीद, वो अरादे वाला है, जो काम भी करता है किबला शोर साहब वो अरादे से करता है। मुदरक, वो हर शय का अदराक रखता है। गाजी तुम्हें सलामत रखे, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। इसी तरह बेदार होकर फिक्र सुनना। मुदरक, वो हर शय का अदराक रखता है। मुतकल्लम, हर शय से बोलने की कुव्वत रखता है। सादिक, ये आखिरी सिफ्त है। सादिक का मतलब है वो अपने कौलो फेल में सच्चा है। आइया मैं वो सिफात पढ़ता हूँ जो खुदा की ज़ात में नहीं पाई जाती, उन्हें कहते हैं सिफात सलबिया। पहली सिफ्त है शरीफ, हम अली वालों का अकीदा है उसका कोई भी शरीक नहीं। जिए जिए मौला सलामत रखे, उसका कोई भी शरीक नहीं। मुरक्कब, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना। जैसे ये पूरी कायनात 4 चीजों से मिलकर बनी है, आग, मट्टी, हवा, पानी। अल्लाह किसी चीज से मिलकर नहीं बना। खलूल, खलूल का मतलब है वो किसी चीज में समाता नहीं। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिनका फासद अकीदा है, वो कहते हैं जी अल्लाह रूह बनकर समा जाता है। मेरा उन्हें पैगाम है, अकल के जाहिलों, जो रूह बनकर समा जाए वो अल्लाह नहीं होता। बिस्मिल्लाह किबला जी, बिस्मिल्लाह, नारा हैदरी, तवज्जो है फजाद। महल्ले हवादस, चौथी सिफ तवज्जो मेरी तरफ जी। महल्ले हवादस, महल्ले हवादस का मतलब है उस पर मुख्तलिफ हालतें आयद नहीं होती।
कभी जवान कभी बूढ़ा, तवज्जो है या नहीं फजल, कभी सो जाए कभी शाजी जागे, ये अल्लाह पर हालतें आयद नहीं होती। मरई, मरई का मतलब है कि वो जिस्मानी आंखों से देखा नहीं जा सकता, जैसा कि मूसा नबी के लिए कहा, ए मूसा लन तरानी, तो हरगिज मुझे देख नहीं सकता, बोलो या ना बोलो तुम्हारी अपनी मर्जी, लेकिन घर जाके सोचना, जब मूसा जैसा मासूम नबी अल्लाह को नहीं देख सकता, गुनाहगार कैसे देख सकते हैं। नारा हैदरी, नहीं ऐसा नहीं, जितना अली पसंद है दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत ईमानी के साथ नारा हैदरी। जी हम मौला तुम्हें सलामत रखे, बिस्मिल्लाह तफसीर मौला जिंदगी दराज फरमा। जब मूसा जैसा नबी नहीं देख सकता तो गुनाहगार कैसे देखते। मानी, ये सातवीं सिफत है, मानी इसका मतलब है वो इल्म से आलम नहीं। क्या मतलब? हम इल्म पढ़कर आलम बनते हैं, हम कुदरत हासिल करके कादर बनते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं कि वो पहले इल्म पढ़े, बोला जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ऐसा नहीं कि पहले कुदरत को हासिल करे, नहीं, वो इल्म से आलम नहीं, कुदरत से कादर नहीं। आठवीं सिर्फ मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं, तवज्जो है, वो किसी का मोहताज नहीं। तो हम जाहिल कौम नहीं कि कोई अल्लाह होने का दावा करे हम आंखें बंद करके उसे अल्लाह माने। अब सार उठाना मैं तफ देखना, जिन्होंने तौहीद के मैयार को सुना उनके लिए फिक्रा कहता हूं। दुनिया याद रखे, जिस तरह अली वालों के पास तौहीद का एक मैयार है, इसी तरह हम हर किसी को नबी भी नहीं मानते, हर किसी को नबी नहीं मानते। नबूवत के लिए भी हमारे पास मैयार है, और नबूवत के लिए मैयार क्या है? पहला मैयार है इस्मत का होना। हम नबी किबला शौर साहब उसे मानते हैं जो मासूम हो। और दूसरा मैयार सुनिए, नबूवत के लिए दूसरा मैयार है हम नबी उसे मानते हैं जिसके माँ बाप काफर ना हो। क्या कहने, क्या कहने, गाजी तुम्हें सलामत रखे, जिनके माँ बाप काफर ना हो, क्योंकि अली वालों का अकीदा है काफर माँ बाप का बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान तो बन सकता है, नबी नहीं बन सकता। भाई तकरीर तमाम हो गई, बिस्मिल्लाह शाहजी मौला सलामत रखे, आखिरी फिक्रा कहता हूं, तकरीर तमाम। जिस तरह अली वालों के पास तौहीद का मैयार है, नबूवत का मैयार है, इसी तरह हम हर किसी को इमाम भी नहीं मानते, हम इमाम उसे मानते हैं किबला शौर साहब जिस पर इमामत को नाज है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मौला तुम्हें सलामत रखे, हम इमाम उसे मानते हैं आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, जिसके लिए पैगंबर ने अरशाद फरमाया अली व मल कुरान वल कुरान व मा अली, अली कुरान के साथ है कुरान अली के साथ है। हम इमाम उसे मानते हैं जिसके लिए पैगंबर ने अरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा आदरिल हक्का माहु खैस मादारा, ए खुदाया तो हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए। बिस्मिल्लाह या अली, ए खुदाया तो हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए। हमने उसे अपना इमाम माना, हमने हक का इमाम माना। हाँ हजरात गिरामी, जो हक का इमाम था उसके हक को लूटा गया। अजरुकुमनल्लाह अजरुकुमनल्लाह, जजाकल्लाह जजाकल्लाह।
अल्लाह सादात उजाम को हमेशा कलियाबाद शाद फरमाए। आजादारान इमाम मजलूम बिस्मिल्लाह अली अलैहिस्सलाम के हक को लूटा गया, अली की औलाद के हक को लूटा गया और क़यामत तक शिया रोते रहे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, ज़ाकरीन के मजमे में जिम्मेदारी से फिक्र कह रहा हूँ, क़यामत तक शिया रोते रहे। क़िबला शौर साहब, रोने का हक अदा नहीं हो सकता। आज़ादारान इमाम मज़लूम, जब भी रोने को जी चाहे तो हुसैन इब्ने अली को रोना। दस मुहर्रम तक अज़ा खाना में बैठकर आपने अली के बेटों का मुहर्रम मनाया। ग्यारह मुहर्रम से अली की बेटियों का मुहर्रम शुरू हो गया और आज है 21 मुहर्रम। ये पुरसा बीबी के लिए पुरसा है और मैंने आज किया, जब भी रोने को जी चाहे हुसैन इब्ने अली को रोना, क्योंकि हुसैन इब्ने अली फितरतन प्यासे थे। जिस तरह मेरी आकाजादी मुसाफर शाम शरीकतुल हुसैन बीबी फितरतन पर्दादार थी। मैं वो फिक्रे पढ़ता हूँ जो मैंने तारीख के फिक्रे अपनी आंखों से पढ़े। उलमा ने लिखा कि हज़रत रसूल खुदा अपनी बेटी फातिमा जहरा के घर तशरीफ लाए। एक मरतबा शाहजी अरशद शाहजी बीबी बाबा को मुखातब करके फरमाती है, बाबा अजीब बच्चा है, जब मैं वुजू करने के लिए पानी लेती हूँ बाबा बच्चे के रोने की आवाज आती है, रो कर कहता है अम्मा आना आतशान हो, अम्मा मैं प्यासा हूं। अजरकुम अल्लाह जजाक अल्लाह जिन्होंने खाय कर दिया। हुसैन की माँ आपकी खाय को कबूल फरमाए। बीबी फरमाती है बाबा बच्चे की आवाज आती है, अम्मा अनाथ शानुन, अम्मा मैं प्यासा हूं। बीबी फरमाती है बाबा कभी कभी बच्चे की आवाज आती है, अम्मा आना और यानुन, अम्मा मेरा जैसम लबास से महरूम है। जो घर से रोने की नीयत से आए हो अगला फिक्रा सुनना। बीबी फरमाती है बाबा कभी बच्चे की आवाज आती है, रो कर कहता है अम्मा आना सोकान, अम्मा मेरी पसलियां टूट गई है। रोने वालों मैंने फिक्रा पढ़ लिया, आपने सुन लिया, लेकिन तारीख ने लिखा जब बीबी ने कहा ना कि बाबा बच्चे की आवाज आती है, अम्मा मेरी पसलियां टूट गई, उस वक्त नबियों का नबी रो कर कहता है जहरा ना खुद रो ना बाबा को रोला। बीबी फरमाती है हाय बाबा इसमें रोने वाली कौन सी बात है, नबियों के सुल्तान ने फरमाया जहरा ये तेरा वो हुसैन है जैसे बेजुर्म खुदा करबला के मैदान में प्यासा मार दिया जाएगा। एक मतबा बीबी जहरा तड़पी, आवाज दे के कहती है बाबा मेरे हुसैन को मारने वाले कौन होंगे, उस वक्त नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के लो। बीबी कहती है बाबा फिर आप सिफारिश करेंगे, नबियों के नबी ने फरमाया जहरा उस वक्त तेरा बाबा नहीं होगा, फरमाया अली नहीं होंगे, फरमाया हसन भी नहीं होंगे। एक मरतबा बीबी जहरा फरमाती है बाबा जब कोई भी नहीं होगा फिर तेरी जहरा बुरका शरीयत का पहन कर खुद मैदान में निकलेगी, आवाज देकर कहेगी ना मारो मैंने चकिया पीस पीस के पाल। बस ठीक है, एक मिनट में साढ़े को गड्डी को नहीं ऐसा लोकल जाना है। उस टाइम दे बैठे दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद दी जात ते सारे मिलके। पखे भी लगे ने जिदा नहीं दिल करदा ना पढ़ो, दरूद आले मोहम्मद दी जात ते पढ़ना है, बुलंद आवाज नाल पढ़ो।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दे दुश्मन ते लानत, अहले बैत दे दुश्मन ते लानत। दरूद आले मुहम्मद दी जात ते सारे बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो नूर ला जो नूरे जली से ऊंचा हो। बिल्कुल मुख्तसर नौकरी। अच्छा चलो ठीक है जी, सैयद आख देता है। वो नूर ला जो नूरे जली से ऊंचा हो, वो नूर ला, बिस्मिल्लाह जाकर साहब, जो नूरे जली से ऊंचा हो, शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो, तू जंगे बदर से चल और फतेह मक्का तक, वो किसी का सार तो दिखा जो अली से ऊंचा हो। हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाबा जी कैसी रूहानियत वाली बात है, इब्तदाए मजलिस है, घर भी है ते मजमा जा कर इंदाए, और मेरे वर्गा सबक सुनाने वाला बंदा होवे ना, जाकर ते अल्लाह है भाई जान, सबक सुनावने सादात नु मातमिया दियाँ दुआवां हासिल करनियां। लाजपाल वेड़ है, रंग ही बड़े लांदे न, ते मैं जाकरीन नु सबक सुना के दुआवां हासिल करना चाहना। एक दफ़ा दरूद पढ़ो आले मुहम्मद दी जात ते सारे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मिल के पढ़ो सलवात, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, बानिए शरीयत जात पढ़ो सलवात। तयबीन ताहिरीन अल-मासूमीन वमा अरसलनका इल्ला रहमतन लिलआलमीन। नारे हैदरी। मैं सची मुची मुख्तसर पढ़ने, खिले खिले चेहरे वेखो, हुसैन बादशाह रंग लावे ने गुलों का। जाकर साहब मैं समझना पहले बैठे हो, एक ते लोकल जाना, एक ड्यूटी आ गई कदे कदाई, वो पढ़नी ते मेहरबानी सारिया दी। गुलों का बाबा जी, गुलों का। जाकर साहब वड़े भाइयों दुआ करनी है, हक बने ते दुआ करनी है। गुलों का जिक्र तो होगा कली के होते हुए, गुलों का जिक्र तो होगा कली के होते हुए,
अरे वली की बात चलेगी वली के होते हुए, और ये बात नसीबी है इंसान नहीं तो फिर क्या है। अरे सहारा ढूंढ रहे हो अली के होते। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुहानू अरशां दे रंग लावे, मौला ए फूड़ी कबूल करे। नीयत दे रंग हैं, जैसी नीयत वैसी मुराद। कसीदा जी, मौला तुहारी खैर करे। कसीदा सुना लव? अच्छा, वो टाइम साडा फरिश्त मुताबक है कि जिवें शाह आख्या उंज? फरिश्त मुताबक। वेखो ना, पूछ लेना चाहिए कार है ना। ये चंगा किया जे ना, निरा बंदा घर घर आख के ते दूजियां दा घर खराब करे, वो बंदे दा पुत्र नहीं होंदा। दरूद पढ़ो आले मुहम्मद दी जात। जैसा मुंह वैसा वेखना। कहने लगा हूँ आज गजल जो अदब भरी है, वो गजल हसीनों के सुल्तान के लिए। कहने लगा हूँ आज गजल, अपना टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहने लगा हूँ आज गजल जो अदब भरी है, वो गजल हसीनों के सुल्तान के लिए है, वो गजल हसीनों के सुल्तान के लिए। जे पढ़ना मैं 20 मिनटे ते फिर तुसां गल्लां नहीं करनियां, मजलस सुननी है। कहने लगा हूँ आज गजल जो अदब भरी है, वो गजल हसीनों के सुल्तान के लिए। कुरान खालिक कायनात ने इन्हां उते उतारिया है, मगर मैं न सामना चाहना फजाइल इन्हां दा है। अल्लाह कुरान च जाकरी कीती है आले मुहम्मद दी, केडा सोहना है हुसैन बादशाह दा सोहना पुत्र अली अकबर। मैं क्या कहूँ जहां मैं ये कैसा नवाब है, तदहीर का वकार इसी का नकाब है। अब्बास अब्बास, इस हवेली का इमरान है दोस्तों, ये मुस्तफा है दूसरे इमरान के लिए। ये मुस्तफा है दूसरे इमरान के लिए। दरूद पढ़ो वाले मुहम्मद दे जात ते सारे मिलके। ओ बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक दफ़ा सारे बुलंद आवाज़ नाल फिर दरूद पढ़ो। बाबा जी, कसीदा मैं सुनान लगा अपने दादा उस्ताद मलक अली जाफर अलवी साहब चुनिया वाले, बिस्मिल्ला दा सवाब होवे। उन्होंने इंज का मजमा लभदा ही ना बाबा जी, तो वह एक कसीदा पढ़ते होंगे आए। क्यों गुम सुम से बै
लगाओ शुरू कर रहा हूँ मैं किस्सा अली का। क्यों गुमसुम से बैठे हो नारा लगाओ शुरू कर रहा हूँ। मौलवी साहब क्यों गुमसुम से बैठे हो नारा लगाओ शुरू कर रहा हूँ मैं किस्सा अली का। शुरू कर रहा हूँ मैं के सुबह सुबह दा टाइम है तेराजी ते आले मुहम्मद नु करने। क्यों गुमसुम से बैठे हो नारा लगाओ शुरू कर रहा हूँ मैं किस्सा अली का। क्यों गुमसुम से बैठे हो नारा लगाओ शुरू कर रहा हूँ मैं किस्सा अली का। क्यों गुमसुम से बैठे हो नारा लगाओ शुरू कर रहा हूँ। ए त्वारी दुआ में का मिला अल्लाह हुसैन बादशाह दा रंग लावे ने नुशहरी आख्या मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मेरे अल वेखने नुशहरी आख्या तुसा रब सत्तर वार अली मौला मारिया सत्तर वार जिंदा कीता उस आख्या तुसी रब बंदियां पुछया नुशहरी नु तू जो अली मौला नु रब आद है तू क्या दिखा है। नुशहरी दे क्या दे ओ खुदा वालो दे खो ये मेरा खुदा है तुम्हारे खुदा का जो मुश्किल कुशा है तुम्हारे खुदा का जो मुश्किल कुशा है। अच्छा तुम्हारे खुदा की वो जागीर जन वो है एक छोटा सा रकबा अली का। तुम्हारी जिंदगी दराज होवे वो है एक छोटा सा रकबा अली का। कौन है मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी हुई पाक सैयदा दे नाल क्या मकाम आई खालिके कायनात ने इस रिश्ते नूं जोड़न नाल अपना इश्क और अपनी पसंदीदगी जाहिर कीती है। लफज तलफज दी गलती होवे माफ कराए जल्दी है आओ मैं दसावां खदीजा के घर ये रोशन दिया है मेरे पाक इमरान पाक इमरान का वो लाडला है। ए आदम मेरी फातिमा सैयदा का अजल से हुआ तय ये रिश्ता अली का। जिन्हां दे रिश्ते अरशां ते होए उन्हां दी औलाद बाजारां च रुल गई। रोवना ते अपने मुकद्दर दा है हर मजलसे चा धराना हुसैन दी मजलसे च बह के रुना कर
ਮਜਲਸੀ ਚ ਰੋਵਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਨਾ ਕਰ, ਘਰ ਚ ਰੋਵਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਨੀ ਜਾਤ ਤੁਰ ਜਾਇਆ ਕਾਰ, ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਕਰ ਹੁਸੈਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੁਲ ਵੰਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ, ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਧੀਆਂ, ਇਬਤਦਾਏ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਸਨਾਖਾਨਾ ਦੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਤ ਰਿਜ਼ਕੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰ ਹਿੱਕਾ ਸੁਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਯਾਦ, ਹਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਯਦ, ਵਾ ਕਰਬਲ ਦੀ ਖਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਇਆ, ਖੰਜਰ ਨਾ ਜੇ ਤਾਈ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸ਼ਾ ਭੈਣ ਦੋ ਦੇ ਦਰ ਗਏ, ਵੋ ਮੈਂ ਸਦਕ ਵਜਾ ਵੋ ਨੌ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਣਕ ਬਤੂਲ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਅਜਾ ਖੂਨ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਥੀਆਨੂੰ ਭੇਣ ਦਾ, ਆਦਿ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਫਿਰਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਓ ਜਿਓ ਜਿਓ।